जुवेनाइल जस्टिस ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल के ड्रामा है। इसके 10 एपिसोड हैं और ये कहानी फोकस करती है कोरिया के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, कैसे बच्चे छोटी छोटी सजा पाते हैं बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी, और विक्टिम्स पे, और क्योंकि उनका जीवन तो बर्बाद हो गया, उनका तो कोई चला गया या उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, और जीवन भर वो इसको ही पछताते रहेंगे कि सामने वाले को ढंग की सजा भी नहीं मिली क्योंकि वो बच्चा था। विक्टिम्स पे ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि सामने वाला बच्चा है, उससे गलती होगी, माफ कर दो, उसके बाद विक्टिम का क्या, वो तड़पता रहे, मरता रहे। इस शो की ट्यून बिल्कुल सीक्रेट्स फॉरेस्ट या फिर स्ट्रेंजर जैसी है, जिसमें भी हमें उनके पुलिस और प्रोसिक्यूशन सिस्टम के काम करने के बारे में बताया गया है। इसमें भी वैसा ही है, पर इसका मेन फोकस यहाँ पे जजेस है, जिसमें थोड़ा अजीब लगता है कि जज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर बार बार इसमें बताया गया है कि जज का इन्वेस्टिगेशन काम नहीं है, पर हमारी जो मेन करेक्टर है वो थोड़े प्रोएक्टिव है, वो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्योंकि उनकी बैक स्टोरी भी थोड़ी वैसी है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सीरियस हो गया है। इसमें जो मेल लीड है उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है बचपन में, इसलिए वो बच्चों को लेकर थोड़ी सिंपैथी वाला भाव रखता है। जो हमारी फीमेल जज है वो बच्चों से बिल्कुल नफरत करती है, उसे जज मैक्स नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो बच्चों को मैक्सिमम सजा देती है और सब उसके पास सजा लेने से डरते हैं। उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसका बच्चा भी किसी कांड में फंसा है, यही सब है। उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसकी फैमिली क्या है, 10 एपिसोड में बेखूबी दिखाया गया है। इस शो का मेन फोकस है कोरिया का जुवेनाइल सिस्टम, कैसे इसे बदलने की जरूरत है। और इंडिया में भी हमारा जुवेनाइल सिस्टम कुछ खास नहीं है, लोग रेप करके भी बच जाते हैं। इसमें थोड़े साल पहले रिफॉर्म हुए थे, पर शायद इधर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मतलब दुनिया भर के जुवेनाइल सिस्टम ऐसे ही होंगे मैं कह सकता हूँ, जब इंडिया में ये हाल है, कोरिया में ये हाल है, तो फिर बाकी बच्चा ही क्या है, बाकी दुनिया में भी ऐसे ही होगा। अगर किसी को लीगल शो पसंद है, इसमें थ्रिल है, क्राइम है, तो आपको देखना चाहिए। बाकी लोगों को कुछ कुछ बोर लग सकता है, मुझे नहीं लगा। ये इसमें तीन केस ऐसे हैं जो रियल लाइफ से हैं, जैसे किसी पर ईंट मार के ऊपर से मार देना, या एक टीनेजर ने छोटे बच्चे का कत्ल कर दिया, और एक आधा और केस है जो रियल लाइफ बेस है, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाया गया है। तो मैं इसे दूंगा 8.5/10 की रेटिंग। ये हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपने ये शो देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।